आतंकियों से हमदर्द रखने वाले कर रहे हैं बात, तो वहीं कुछ लोग दे रहे हैं इनका साथ। लादेन की मेजबानी करने वाला पाक का सवाल, जिस पर भारत ने किया तीखा प्रहार। आतंकवादियों के हमदर्द रहे पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर से आईना दिखाया है। ये आईना केवल पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि उसका लालन पालन करने वाले चीन को भी दिखाया गया है। ये आईना भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए दिखाया और कहा कि जिस देश ने आतंकी ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की और अपने ही पड़ोसी मुल्क के संसद पर हमला किया, उसके पास एक परिषद में उपदेश देने का कोई हक नहीं है। ये बयान संयुक्त राष्ट्र संयुक्त परिषद में पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कश्मीर मुद्दे के बाद दिया गया, जिस पर विदेश मंत्री ने चीन को भी आड़े हाथों लिया। इसके अलावा एस जयशंकर ने इस परिषद में क्या कहा, इस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के यूएनएससी में क्या मुद्दा उठाया था उसे जान लीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भाग लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद को ही जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान विदेश मंत्री भुट्टो ने कहा कि विवाद के पक्ष में भारत कभी बहुपक्षीय सुधारों की वकालत नहीं कर सकता, क्योंकि बहुपक्षीयवाद की सफलता को दिखाने के लिए कश्मीर वाले यूएनएससी के प्रस्ताव को लागू करना होगा, तभी यह सिद्ध होगा कि भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी सफल हो सकता है और हमारे क्षेत्र में शांति बन सकता है। भुट्टो ने कश्मीर का राग अलापते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद को संघर्षों और विवादों को हल करने का प्रयास करना चाहिए, साथ ही भारत को यूएनएससी के नए स्थायी सदस्यों को शामिल करने के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य देशों के उपस्थित होने के अवसर संख्यात्मक रूप से कम हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो की ओर से कश्मीर का राग अलापने पर जयशंकर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लादेन जैसे आतंकी की मेजबानी करने वाले, अपने ही पड़ोसी देश की संसद पर हमला करने वाले देश की विश्वसनीयता ऐसी नहीं है कि वो इस परिषद में आकर उपदेश दे सके। वो अनायास इस परिषद में कश्मीर मुद्दे को उठा रहे हैं। जब महामारी, जलवायु परिवर्तन और युद्ध संघर्ष की बात हो रही है, आतंकवाद पर हमेशा समाधानों की तलाश की जाती है, जिसके खतरे को सामान्य नहीं माना जाता, जिसे दुनिया अस्वीकार्य करती है, उसे सही ठहराने वाले और उसका साथ देने वाले शांति और बहुपक्षीयवाद की पाठ न पढ़ाएं। इसके अलावा विदेश मंत्री चीन पर भी पलटवार करते हुए कहा, आतंकवाद की चुनौतियों पर जहां पूरी दुनिया साथ मिलकर मजबूती से मुकाबला कर रही है, तो वहीं आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को बचाने और उन्हें उचित ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग भी हो रहा है। विदेश मंत्री का ये इशारा चीन की तरफ था, जिसने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी ठहराने की भारत और अमेरिका के प्रस्तावों को बार बार रोका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के रूप में भारत ने 1 दिसंबर 2021-22 की अध्यक्षता संभाली है। ये भारत की दूसरी बार अध्यक्षता है। इससे पहले 2021 में अगस्त में भी भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।